सिग्नी वाला में कुछ टाइम पहले यहाँ पर धरना होता था, यहाँ पर लोग बैठक बैठाई जाती थी क्योंकि यहाँ पर लोगों की यहाँ पर मांगे रहती थी डैम हटाया जाए ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कूड़ेदान के ठीक सामने ही शिवाली के ज्वाइन कॉलेज यहाँ पर सामने ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ठीक सामने यहाँ पर कूड़ा कचरा का ढेर है। मैं पूछना चाहूंगी सवाल प्रशासन से, क्या ये सही है या गलत? इतने खूबसूरत जगह को इन्होंने कूड़ेदान बदल दिया है। और मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर तीन कॉलेज है, वहाँ शिवालय की ज्वाइन कॉलेज है, यहाँ हिमगिरी सी कॉलेज है और यहाँ पर अभी एक नया कॉलेज बना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में स्वच्छता को लेकर एक बहुत ही अहम मुद्दा चलता है, जहाँ पर ये बोला गया है कि हमारे देश भारत में सफाई अभियान चलाया जाए। क्या इस तरीके से सफाई अभियान चलाया जा सकता है, जहाँ पर एक तरफ से कहा जाता है कि गंगा को सफाई करो, यहाँ पर गंगा मिशन चलाए जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम देख सकते हैं, अगर आप देखोगे सड़क के किनारे ठीक सामने वहाँ पर ये कपड़ा का ढेर है, यहाँ गरीबों को कपड़ा नहीं मिल रहा है पहनने को, लेकिन यहाँ प्रशासन इसे इग्नोर कर रही है। यहाँ पर डेली पुलिस यहाँ खड़े होते हैं, लेकिन पुलिस खड़े होने के बावजूद भी यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। मैं पूछना चाहूंगी एक सवाल और जनता से भी, क्या जनता आपकी गलती नहीं है? एक सवाल मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि सेलाकुई के नगर निगम आप कर क्या रहे हैं सर? आपके होने के बावजूद भी यहाँ पर कूड़ा है, जबकि यहाँ पर डेली कूड़ादान की गाड़ियाँ आती है, घर घर जाती है, लेकिन क्या ये कूड़ा नहीं दिखता उन सबको? आप देख रहे हो जनखबर न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ 2 नंबर।